ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रखा है केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ट्रिपल प्लस भी उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें आगे लिखा है इसने ऑर्डर, शॉर्ट में लिखा मैंने विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, चाहो तो फुल फॉर्म में लिख लेना अगर आपको दिक्कत हो बाद में याद समझने में क्या लिखा है। तो लिखा ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए इज टू, यहाँ पर एक रिएक्टेंट दे रखा है ए, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास ऑर्डर क्या है टू, एंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, दूसरा रिएक्टेंट दे रखा है मुझे बी, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या दे रखा है -1, ठीक है -1 दे रखा है देन, ठीक है। तो एक छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा राइट रेट लो एक्सप्रेशन, इस केमिकल रिएक्शन जो हमें दे रखी है उसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन मुझे लिखना है, ठीक है। तो अभी ये देख चुके हम किस तरीके से लिखते हैं इसको। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर मुझे दे दिया कि इसका ऑर्डर इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मुझे दे दिए, तो मैं बस उसी वे में लिखूंगा जैसे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेट इज प्रपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर टू, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर टू मुझे गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, डायरेक्ट कभी भी नहीं लिख सकता, लेकिन क्वेश्चन मुझे गिवन दे रखा है तो मैं लिख सकता हूँ। फिर रेट इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ बी, और उसकी पावर क्या दे रखी है -1, तो ऑर्डर पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट होगा वो जाएगा, ये चाहो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा आर इज प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ए की पावर टू कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर -1, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूंगा तो के इज इक्वल्स टू ए की पावर टू और बी की पावर -1, ये इसका रेट लो एक्सप्रेशन हो जाएगा जो भी हमें गिवन रिएक्शन दे रखी। और कैसे मैंने कैलकुलेट करा, क्योंकि इसने दे दिया कि इसकी जो ऑर्डर है ए के रेस्पेक्ट में 2 दे दिया और बी के रेस्पेक्ट में -1 दे दिया, तो फिर मैं लिख सकता हूँ रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए है और उसकी पावर मुझे दे दी बी, और उसकी पावर भी दे दी, तो मैंने रेट लो एक्सप्रेशन लिख दिया। सेकेंड पार्ट लिखे इसमें डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, समेशन ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स अपियरिंग इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा 2 प्लस -1 दैट इज 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है 1 है, विथ रेस्पेक्ट टू 2 है, विथ रेस्पेक्ट टू -1 है, और टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है तो वो क्या होगा 2 प्लस -1 दैट इज 1, ठीक है। तो ये तो हुआ दो सिंपल से पार्ट। थर्ड पार्ट लिखे इसमें, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट लिखे वॉट विल बी, वॉट विल बी इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसने पूछा है कि अब आप बताएं इस जो हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसके अंदर अगर मैं कंसंट्रेशन जो ए है उसको अगर डबल कर दूं तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कैसे पता लगेगा, मुझे इसके लिए जरूरी है रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन अगर मुझे पता है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसका रेट लो एक्सप्रेशन है, इस रेट लो एक्सप्रेशन से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रेट लो एक्सप्रेशन पता लग गया तो इंडिविजुअल में ऑर्डर भी बता सकता हूँ किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, और ओवरऑल ऑर्डर भी बता सकता हूँ, और इसी से बताऊंगा ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ रहा है कंसंट्रेशन को चेंज कर देने, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट वे में मैं कर रहा हूँ,
सबसे पहले आप क्या कर लो, इनिशियली मान लो जो आपने रेट लो एक्सप्रेशन लिखा है उसकी कंसंट्रेशन जो भी दे रखी है उसको मैंने मान लिया आर आई इनिशियल के लिए, के तो कांस्टेंट है, इसको मैं लिखा ए आई, ए आई का मतलब है इनिशियल, इसकी पावर टू, बी आई इसकी मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ए एफ है फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है, ए एफ क्या है फाइनल कंसंट्रेशन, और वो कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो डबल का मतलब क्या हो गया, जो ए फाइनल हो वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए इनिशियल हो जाएगा, मतलब मैंने बाद में उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया डबल। तो अब जो रेट लो एक्सप्रेशन है तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा था आर फाइनल, के तो कॉन्स्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो इसको मैं लिख रहा हूँ ए एफ की पावर टू, ठीक है, और B की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं, B पे अगर कुछ बोला नहीं है दूसरे रेट लो एक्सप्रेशन में, दो तीन चार जितने भी रिएक्टेंट है अगर किसी के बारे में कुछ नहीं बोला तो उस पर मुझे कुछ एज इट इज़ को सेम कांस्टेंट मान के चलना है, जिसके बारे में बात करें सिर्फ उसमें चेंज करेंगे, तो ये तो एज इट इज़ हो जाएगा, इसको बी आई रहने दूँ और ये माइनस वन, ठीक है। यहाँ से क्या है क्योंकि इसने बोला कि अब कंसंट्रेशन ए को मैंने क्या कर दिया डबल कर दिया, तो ए एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टू ए आई लिख सकता हूँ, तो आर एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर के इज इक्वल्स टू टू ट्वाइस ऑफ ए आई रेस टू द पावर टू और बी आई रेस टू द पावर माइनस वन, ठीक है, इसके स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर, तो आर एफ इक्वल्स टू फोर ऑफ के ए आई की पावर टू और बी आई की पावर माइनस वन। तो इसको आप चाहो तो इसको दे दो नंबर वन फर्स्ट इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू, और कुछ भी कर लो, वन की जगह टू डिवाइड कर लो या टू से वन को डिवाइड कर दो, और ऐसे नहीं तो आप, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो ए आई की पावर टू बी आई की पावर माइनस वन इस पूरे की जगह, ठीक है, इस पूरे की जगह आर अपॉन के लिख सकते हो, वो यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो यार, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल में लिख देता हूँ सेकंड डिवाइड बाय वन, ये वन डिवाइड कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, या वैल्यूज वहाँ पे पुट करके देख लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आर एफ अपॉन आर आई ऐसा करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा फोर के ए आई की पावर टू बी आई की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय के ए आई की पावर टू बी आई की पावर माइनस वन। तो ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के हो जाएगा, इससे ए आई से ए आई हो जाएगा, बी आई माइनस वन से बी आई माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पर आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इक्वल्स टू फोर टाइम्स, और रेट में क्या इम्पैक्ट आएगा तो आर फाइनल हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ आर इनिशियल, दैट मीन्स अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ तो मेरी जो रेट होगी वो फोर टाइम्स बढ़ जाएगी यानी, ठीक है, तो ऑप्शन में ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, इस तरीके भी लिखा हो सकता है, ऑप्शन रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूसेस टू हाफ, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम फोर टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूसेस टू वन फोर्थ, कैसे भी मिल सकता है, तो यहाँ पे फोर टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये तो एक मैंने बोर्ड एग्जाम में आया, तो किस तरीके से सब्जेक्टिव वे में कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और इनडायरेक्ट वे जहाँ पर भी जिस कंसंट्रेशन की बात लेगी वहाँ पर क्या वो वैल्यू लिखो, ट्वाइस करा तो यहाँ पे टू करा, वो पावर बाहर आ जाएगी, बाकी तो एज इट इज रह जाएगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने डिटेल में बता दिया, तो इसको कॉपी करें और फिर लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसी का फोर्थ पार्ट, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। फोर्थ पार्ट में दे रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा रेट लो एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा, ठीक है, रिएक्टेंट आ रहे हैं, एक से ज़्यादा स्पीसीज आ रही हैं, तो दोनों के बारे में एक साथ बोल सकते हैं, जैसा अभी बोला ना, तो नेक्स्ट पार्ट उसमें बना रहा हूँ मैं, व्हाट विल बी चेंज इन रेट इफ
कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूसेस टू हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्रिपल्ड। आई बस समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे एक साथ इफेक्ट लिख दे, यानी कि ए की कंसंट्रेशन को मैंने हाफ कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, इसमें अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, एक मैंने सॉल्व कर लिया, यहां पे डायरेक्ट करने से मेरा मतलब, मैं चाहो तो लिख देता हूं कि यहां पर ए एफ और बी एफ, ठीक है, ए फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, ए जो इनिशियल है उसका मैंने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ कर दिया, एंड जो बी फाइनल है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्रिपल, थ्री टाइम्स कर दिया यानी। तो यहां पर ठीक है, चाहो तो इस तरीके से सब्जेक्टिव वे में चाहो तो कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे करूँगा, रेट लिखा मैंने, के लिखा, अब यहाँ पर लिखा हुआ था देखना ए की पावर टू और बी की पावर माइनस वन, ये मेरा रेट लो एक्सप्रेशन था। अब इसमें मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, कैसे, आर इक्वल्स टू के, ए को क्या करा मैंने, हाफ कर दिया, तो यहाँ पे ए बाई टू करा, इसकी पावर हो गई टू, और बी को क्या करा, ट्रिपल करा, तो इसकी पावर होगी माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा वन बाई फोर, यहाँ से बाहर आ जाएगा वन बाई फोर, और यहाँ से क्या आएगा, थ्री की पावर माइनस वन, दैट मीन्स वन बाई थ्री। ठीक है, पावर नेगेटिव ध्यान रखना, इंटू के, ये ए की पावर टू, बी की पावर माइनस वन, और इसको सॉल्व कर लो तो वन जाएगा ट्वेल्व, इधर नीचे लिख देता हूँ मैं, तो यह आ जाएगा R इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो स्क्वायर होके फोर आ जाएगा और नीचे थ्री आ जाएगा, तो फोर थ्री या ट्वेल्व हो जाएगा, K इंटू ए की पावर टू, बी की पावर माइनस वन, तो रेट क्या हो जाएगा, वन बाई ट्वेल्व टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी यानी। ठीक है, तो अकेला एक रिएक्टेंट के बारे में लिखा हो सकता है और एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के बारे में लिखा हो सकता है, तो एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव वे में इस तरीके से आपको करना है, और डायरेक्ट कंपटीशन में तीन स्टेप तो लिखे, चाहो तो एक स्टेप में भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना शॉर्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट और लिखे जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी कर ले एक बार वीडियो पॉज करके, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, ठीक है, यहाँ तो बात हुई कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज आ जाए, ठीक है, तो उसमें देखना किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है रेट पे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट लिखे इसका, व्हाट विल बी effect on rate if volume of container is doubled, if volume of container is doubled। अब ये बोल रहा है कि जिस भी कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ए और बी रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर उस कंटेनर का ही वॉल्यूम, ठीक है, मैं मान लेता हूँ वहाँ से सॉलिड फेस में तो होती नहीं, लिक्विड एक्वस फेस में रिएक्शन होगी, तो उस जो कंटेनर है उसका जो वॉल्यूम है जिसमें रिएक्टेंट रखे हुए हैं वो वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल हो जाए, नहीं तब रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब यहाँ पर वॉल्यूम का तो हमने कोई देखा नहीं कि वॉल्यूम रेट लो एक्सप्रेशन में कहीं आ रहा हो, हमने तो कंसंट्रेशन की बात करी है, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन तो डिपेंड कर सकती है, कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन को हम कैसे, या मैं बोलूँ सिंपली, अगर मैं मोलेरिटी की बात करूँ तो मोल क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो
कंसंट्रेशन तो किस पे डिपेंड कर रही है, वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो कंसंट्रेशन की जो डिपेंडेंस है वो कैसे है, इनवर्स है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर मेरे पास 1 मोलर का अगर सॉल्यूशन पड़ा है उसमें अगर मैं क्या करता हूँ और पानी मिला देता हूँ तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन कम हो रहा है। ठीक है, हमने पढ़ाई है M1V1 = M2V2। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम से मैं डायरेक्ट तो नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ वॉल्यूम का इम्पैक्ट कंसंट्रेशन पर पड़ेगा और कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो पड़ेगा वो रेट लॉ एक्सप्रेशन पे पड़ जाएगा। तो सिंपली जो भी वॉल्यूम में चेंजेस आएगा उसका इनवर्स कंसंट्रेशन में आएगा। तो अगर मैंने वॉल्यूम डबल करा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात हुई, ये सबको समझ में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास रिएक्टेंट कितने दे रखे, 2 रेट लॉ एक्सप्रेशन में। अब हर एक रिएक्टेंट के लिए जो वॉल्यूम है, अब ए के लिए भी वही वॉल्यूम है 1 लीटर था पहले, और बी के लिए भी वही 1 लीटर वॉल्यूम था। ठीक है, वो तो 1 लीटर के अंदर ही था दोनों। अब जब दोनों का वॉल्यूम डबल हुआ तो दोनों, जब वॉल्यूम डबल हुआ ओवरऑल कंटेनर का, तो ए की कंसंट्रेशन में भी उतना ही इफेक्ट होगा जितना बी की कंसंट्रेशन में इफेक्ट होगा। आ रही मेरे पास में, मतलब दोनों के लिए जब 1 लीटर वॉल्यूम था ए और बी के लिए, तो जब वो डबल हो गया 2 लीटर हो गया, तो अब कंसंट्रेशन जो अगर उनकी आधी हो रही है तो ए के लिए भी आधी हो रही होगी कंसंट्रेशन और बी के लिए भी आधी हो रही होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कई बच्चे समझ नहीं पाते और इग्नोर कर जाते हैं कई बार जल्दबाजी में, तो इसका ध्यान रखना। पहली चीज तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम इनवर्स, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, ये तो हमें डाइल्यूशन वाले से हमको भी समझ में आता है, M1V1 = M2V2 जो हम करते हैं नहीं। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान ये रखने वाली बात है कि जितने भी रिएक्टेंट है, 1 है 2 है 5 है 10 है 15, जो भी वॉल्यूम है वो एक रिएक्टेंट के लिए भी 1 लीटर है या 5 लीटर है, दूसरे रिएक्टेंट के लिए भी 5 लीटर है, तीसरे रिएक्टेंट के लिए भी 5 लीटर है। अगर उस वॉल्यूम में मैं कोई कम करता हूँ उस वॉल्यूम को, या उस वॉल्यूम को मैं बढ़ा देता हूँ, तो जो भी इफेक्ट होगा वो उस पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट पर होगा। तो अगर एक रिएक्टेंट पर हो रहा है तो दूसरे पे भी सेम होगा, तीसरे पे भी वो सेम होगा। तो यहाँ से मेरा सिंपली से मतलब है कि कंसंट्रेशन मैंने क्या करा, कंसंट्रेशन को क्या, सॉरी वॉल्यूम को क्या करा मैंने, डबल करा है। ठीक है, दैट इज यहां पर वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल देन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बिकम हाफ, देन कंसंट्रेशन बिकम हाफ फॉर ईच रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां से रेट लॉ एक्सप्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, R = k a^2 b^-1, तो R = k। अब वॉल्यूम का इफेक्ट मैं कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम का इफेक्ट कंसंट्रेशन के इफेक्ट टर्म में लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हुआ डबल तो कंसंट्रेशन क्या होगा, हाफ, इनवर्स रिलेशन है। तो कंसंट्रेशन हुआ ½ और यहाँ पे भी कंसंट्रेशन हुआ हाफ, इसकी भी पावर -1। ये बात ठीक है, ध्यान से समझ लेना, दोनों का इफेक्ट कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखूंगा, वॉल्यूम दोनों रिएक्टेंट के लिए क्या है, कॉमन है, तो इसके लिए जितना वॉल्यूम है उतना ही बी के लिए भी है। तो अगर इसका कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है वॉल्यूम बढ़ाने से, तो इसका भी क्या होगा, हाफ होगा। अब इसका इफेक्ट जो है वो आप लिख सकते हो, R = ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि इधर पावर क्या है, -1। तो ओवरऑल क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है चलो मैं इसे लिख देता हूँ, 1/4 और 1/2 की पावर -1 k a^2 b^-1 विच इज 2/4 के a^2 b^-1 और फाइनली आ जाएगा 1/2 के a^2 b^-1। दैट मीन्स वॉल्यूम का जब कंटेनर में डबल करूंगा, वॉल्यूम का कंटेनर में जब डबल करूंगा तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस होके हाफ हो जाएगी।
आ रही बात समझ में? तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे सिंपल वे में, और इसमें कई सारे वेराइटी करके, ठीक है, कैसे भी चेंज करके वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप कॉपी करें एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें. फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स अ प्रोडक्ट इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स एंड रेट बिकम्स 1/3 व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस 3 टाइम्स. ठीक है, एक बार तो पहले इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से एक बार पढ़ ले ध्यान से, और फिर समझे उसका मतलब क्या है, फिर मैं समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है और कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है? क्योंकि अक्सर तो इस क्वेश्चन में वैसे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जनरली जो मैंने न्यूमेरिकल करा है उसके बाद एकदम से इसको पढ़ते हो तो जो मैंने लास्ट बताया उसी को एक साथ इंप्लीमेंट कर देते हैं. ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को वापस से. एक केमिकल रिएक्शन दे दी मेरे को ए प्लस बी जो प्रोडक्ट दे रहा है. अब क्या लिखा आगे? इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. अगर मैं ए की कंसेंट्रेशन को क्या कर रहा हूं, ए की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, तब रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ रही. यहां पर हो रही सिर्फ ए की कंसेंट्रेशन की चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चेंज आ रहा है उसकी बात आ रही है. फिर उसके बाद लिखा है एंड रेट बिकम्स 1/3 व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस 3 टाइम्स. मतलब एक बार ए की कंसेंट्रेशन मैंने कुछ चेंज करी तो कोई रेट ऑफ रिएक्शन में अलग चेंज आ रहा है, फिर मैंने बी की कंसेंट्रेशन कुछ चेंज करी तो फिर कुछ रेट ऑफ रिएक्शन में कुछ चेंज आ रहा है. दैट मीन्स ये दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग कंडीशन है. ये एक कंडीशन नहीं है कि ए की रेट मैंने डबल कर दी और बी की रेट क्या कर दी मैंने 3 टाइम्स कर दी तब रेट ऑफ रिएक्शन एक होती, लेकिन यहाँ दो अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन हो रही. दैट मीन्स दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग कंडीशन है कि ए की रेट ए की कंसेंट्रेशन चेंज करने पे कुछ रेट ऑफ रिएक्शन बदल रही है और बी की कंसेंट्रेशन चेंज करने पे कुछ रेट ऑफ रिएक्शन बदल रही है. तो दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग कंडीशन है, और ऐसा क्वेश्चन हम, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं जिसमें सिर्फ एक ही की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही होती है, दूसरा अपने आप में कॉन्स्टेंट रहता है उसकी कंसेंट्रेशन. और ऐसा भी हमने क्वेश्चन करा था जब दो की कंसेंट्रेशन एक साथ भी चेंज हो सकती है, ठीक है? तो ये कौन सी सिचुएशन है, जब एक की कंसेंट्रेशन चेंज हो रही तो दूसरा अपने आप क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ. तो दो सिचुएशन दो कंडीशन है, दैट मीन्स इस रिएक्शन से दो इक्वेशन में बनाऊंगा. क्लियर है? अब यहां पर इसने पूछा क्या है, राइट रेट लो एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शन. तो रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखे, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि यहां पर ए की कंसेंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क आ रहा है और किसकी, बी की कंसेंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आ रहा है. दैट मीन्स रेट लो एक्सप्रेशन में, रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर ए का टर्म भी होगा और बी का टर्म भी होगा. अब उसकी पावर क्या होगी वो मुझे नहीं पता, ऑर्डर वही एक्चुअल मुझे कैलकुलेट करनी है इसमें, ऑर्डर इंडिविजुअल ए की ऑर्डर और बी की ऑर्डर और दोनों का ऑर्डर मुझे पता लग गया तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में लिख सकता हूँ, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिख दूँ या दोनों का इंडिविजुअली पता लग जाएगा तभी मैं रेट लो एक्सप्रेशन लिख पाऊंगा. लेकिन हाँ, ये चीज़ तो मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गई कि उसमें ए की कंसेंट्रेशन में इन्वॉल्व होगी रेट लो एक्सप्रेशन में और बी की कंसेंट्रेशन में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि दोनों की कंसेंट्रेशन अलग अलग चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही, चेंज हो रही. तो सबसे पहले मैं सिंपली क्या कर लूँ, लेट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूं क्योंकि ये तो मुझे पता लग गया R इक्वल्स टू, या रेट ऑफ रिएक्शन पूरा लिख दिया, K इक्वल्स टू A की कंसेंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रही है और B की कंसेंट्रेशन भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, और मेरे को कुछ नहीं पता तो मैं नहीं लिख रहा उसको. और जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट में ए भी लिखा तभी मैंने लिखा, मैंने ए भी इससे नहीं देख के लिखा, ठीक है, सिर्फ यही समझा रहा हूँ मैं. इसमें ए और बी मैंने इस रिएक्शन को देख के नहीं लिखा, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको देख के मैंने ए और बी लिखा है, ठीक है. अब मुझे नहीं पता ऑर्डर, तो मैंने इन जनरल मान लिया यहाँ पर इसकी एम है ऑर्डर और इसका ऑर्डर एम एन है. कोई भी अननोन मान लो, एक्स वाई मान लो, पी क्यू मान लो, एम एन कुछ भी मान लो, ठीक है. तो मैंने मान लिया इसके रेस्पेक्ट में इसका एम ऑर्डर है, इसके रेस्पेक्ट में एन है, ये एम और एन ही मुझे पता करना है, ठीक है. अब जो फर्स्ट सिचुएशन है उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जब मैं ए की कंसेंट्रेशन की चेंज की बात कर रहा हूँ तब बी की कंसेंट्रेशन अपने आप क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी उस केस में, ठीक है. तो यहाँ पर लिख देता हूँ, वेन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल
देन रेट बिकम 4 times, ठीक है, 4 times लिखा ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 times एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां से दैट इज डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आर इक्वल्स टू के, ए की कंसेंट्रेशन को मैंने क्या करा, डबल करा, तो 2a की पावर m, और b की कंसेंट्रेशन को मैंने एज इट इज रखा तो इसको रखा n, और यहां पर जो रेट है वो रेट क्या हो गई है, डबल हो गई है, ठीक है, रेट बिकम सॉरी 4 times हो गई। तो यहां पर क्या लिख दूं मैं, 4r लिख दूं, आया कैसे लिखा है मैंने, ठीक है, जो लैंग्वेज है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी, ये इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 जिसमें r इक्वल्स टू, ठीक है, चाहो तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना, पूरा ना लिख के, लेट रेट ऑफ रिएक्शन इसको मैंने सिंपली r लिख दिया, ठीक है। अब a की कंसेंट्रेशन को जो मैंने डबल करा तो रेट अपना आप क्या हो गई, नई जो r फाइनल होगी वो 4r डायरेक्ट लिख दी मैंने, ठीक है, इसको मैंने मान लिया सेकंड, सिंपल है। अब यहां से देखो कैसे भी कर लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, इसको आर आई मान लो, इसको आर एफ मान लो, ठीक है, मैं उस वे में सब्जेक्टिव वे में नहीं समझा रहा हूं, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, कैसे भी कर लो, ठीक है, या फिर सिंपली क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो, और सिंपल है, ठीक है, तो यहां पर लिख लेना सेकेंड डिवाइडेड बाय मैथमेटिक्स है ये, कैसे भी आप सॉल्व करो आप पे डिपेंड करता है, तो 4r डिवाइड बाय r इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा k 2a की पावर m b की पावर n, यहाँ पर भी k a की पावर m b की पावर n, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर एन से बी की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो LHS में बचेगा 4 और यहाँ बचेगा, ठीक है, इस 2 को बाहर ले जाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर m और अंदर आ जाएगा a की पावर m और नीचे भी क्या आ जाएगा a की पावर m, ठीक है, इसको बाहर ले गया 2 की पावर m आ गया, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मेरे पास बचेगा 4 इक्वल्स टू 2 की पावर m। अब ये 4 है ये 2 की पावर m है तो m क्या पता कर सकता हूँ, तो बेस दोनों का क्या कर दूँ, सेम कर दूँ, तो इसको यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर m, दोनों का बेस सेम हो गया, दैट मीन्स पावर भी क्या होनी चाहिए, अब सेम होना चाहिए, तो m की वैल्यू यहाँ से मुझे पता लग गई, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो a के रेस्पेक्ट में तो क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। सिमिलरली जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रखी उसको इसी तरीके से इंटरप्रेट कर दो, तो यही पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तो व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस 3 times देन रेट become 1/3, read become 1/3, keeping concentration of A constant, ठीक है, A की concentration को constant मान ले, तो same इस तरीके से लिख दे, rate तो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, R by 3 लिख दूँ, ठीक है, जैसे आप 4 times हुई, के ए की कंसंट्रेशन तो एज इट इज इसकी पावर m, बी की कंसंट्रेशन को कितना करा मैंने 3 times बढ़ा दिया, ये हो जाएगा n, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, और फिर से ठीक है 3 divided by क्या कर दे 1 कर दे, ठीक है 3 divided by 1 कर दे और इसको सॉल्व कर ले, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r by 3 upon r
यहाँ पर आ जाएगा के, ठीक है। यहाँ थ्री को मैं पहले बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो थ्री की पावर हो जाएगी एन, और ए की पावर एम, बी की पावर एन डिवाइडेड बाय, फर्स्ट इक्वेशन में के लिखा रखा है, ए की पावर एम, बी की पावर एन, सही है। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर एम से ए की पावर एम, बी की पावर एन से बी की पावर एन, के सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, यह बचेगा 1/3 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n, ठीक है। बेस सेम करना है तो 3 को ऊपर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर n। तो यहाँ से मुझे पता लग गया n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर मुझे पता लग गया, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा 2, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा -1, ठीक है। तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइनली लिख लेना। रेट लो एक्सप्रेशन जो यहाँ से बनेगा, आर इक्वल्स टू के, ए की पावर 2 और बी की पावर -1। अगर आपसे ओवरऑल ऑर्डर भी पूछा जाता तो भी बताता, 2 - 1 कितना आता, +1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन +1, और ये रेट ऑफ द रिएक्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अक्सर मिल जाएंगे, ऐसे एक के रेस्पेक्ट में जब दे रखा होगा तो 2। अब यहाँ पे जैसे 2 रिएक्टेंट है, ऐसे 3 या 4 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो 3 या 4 रिएक्टेंट भी होते, तो वो बोलता ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता, इफ अगर 3 रिएक्टेंट होते तो मान ली सी होता, तो इफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सी रिड्यूसेस टू 1/3, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स। आ रही मेरी बात सुनने, तो एक साथ आपको यहां पर जैसे मैंने एक चेंज करा, वहां पर उस इक्वेशन में 2 चेंज करने पड़ते तीसरे को कांस्टेंट मान के, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। यहां मैंने थोड़ा सिंपल पहला क्वेश्चन था, दो एक ही लिया मैंने, एक में चेंज करा दूसरे कांस्टेंट माना, 3 या 4 होंगे तो हो सकता है एक बार में 2 के साथ चेंज कर रहा हूं, तो ऐसे अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगे, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां तो एक एक सिंपल सिंपल वैसे ही सॉल्व होगी, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, क्वेश्चन देखें नेक्स्ट। इसमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है, 2N2O5, ठीक है। वो डिकम्पोज होके 4 टाइम्स ऑफ NO2 और O2, ठीक है। N2O5 डिकम्पोज होके NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। उस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन मुझे लिखा हुआ है, ठीक है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दैट मीन्स अगर किसी रिएक्शन के अंदर, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो ऑलरेडी रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है, तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये रेट लो एक्सप्रेशन दे दिया, इसके पावर कुछ नहीं दे रखे, दैट मीन्स 1, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। तो ये तो हमें गिवन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आगे मुझे दे रखा है, ये क्या दे रखा है, N2O5 d / dt ऑफ N2O5। ये N2O5 क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हो, ये रिएक्टेंट की रेट दे रखी है वो K1 N2O5 दे रखी है। फिर d / dt ऑफ NO2, NO2 क्या है, मेरा प्रोडक्ट, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 दे रखी है जो कि मेरा प्रोडक्ट है, और वो दे रखा है K2। यहाँ से पता भी लग रहा है पॉजिटिव कुछ नहीं लिख रखा है, मतलब प्रोडक्ट है, और यहाँ नेगेटिव लिख रखा है मतलब रिएक्टेंट है, यहाँ ये मुझे पता लग रहा है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2, ये भी मेरा एक प्रोडक्ट है, और इसकी रेट दे रखी इसने K3 N2O5, क्लियर। अब इसने पूछा है डेराइव रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, K1 K2 एंड K3, जो रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे इस रिएक्शन का, उसके के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट के जो K1 K2 K3 दे रखे, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है, वो हमें देखना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीज़ से। हमें पता है अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है किसी भी रिएक्शन की इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो मैं कैसे लिखूंगा, आर मैंने मान लिया रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि वहाँ पर दे ही रखा है, रिएक्टेंट की कैसे करते हैं हम, रिएक्टेंट के लगाते हैं नेगेटिव, उसका स्टेचोमेट्रिक कॉफिशेंट लिखते हैं डिनोमीटर में, तो ये 2 आ जाएगा डिनोमीटर में, 1/2, ठीक है। डी ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 / dt, ये तो हुआ रिएक्टेंट के लिए, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट में दे रखा मुझे NO2
और रिएक्शन देखोगे तो वैसे भी बैलेंस है, और जो दे रखी है उसको बैलेंस ही माने, अपनी तरफ से कुछ भी कोफिशिएंट नहीं लगाए, ठीक है, जब तक ना लिखा हो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो 1/4 पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट है, डी ऑफ NO2 अपॉन DT, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 हो गई। फिर आ जाओ विच इज इक्वल्स टू, इसका कोफिशिएंट तो कुछ नहीं दे रखा तो 1 ही लिखेंगे डिनोमीटर में, और पॉजिटिव है तो डायरेक्ट लिख दे डी ऑफ O2 डिवाइड बाय DT। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ बस मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो R रेट ऑफ रिएक्शन मुझे गिवन दे रखी है उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं, वो दे रखी है के इज इक्वल्स टू के इंटू N2O5 विच मस्ट बी इक्वल्स टू, ठीक है, 1/2 एज इट इज लिखा मैंने, 1/2 एज लिखा, और नेगेटिव डी ऑफ N2O5 अपॉन DT, मतलब इस पूरे की वैल्यू, और नेगेटिव इसके साथ इंक्लूड हो गया, उसकी जगह लिख रहा हूँ मैं K1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नहीं आएगा, K1 N2O5 सही है, विच मस्ट बी इक्वल्स टू 1/4 और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 दैट इज डी ऑफ NO2 अपॉन DT, इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मैं, K2 इंटू N2O5। फिर इसका तो कोफिशियंट कुछ नहीं दे रखा, और इसके रेट ऑफ रिएक्शन K3 N2O5। सब में देखोगे तो क्या है, N2O5 क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है, तो यहाँ से N2O5 कॉमन है तो कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, K इज इक्वल्स टू K1/2, यहाँ पर क्या बचेगा K2/4 और आगे K3/, कुछ नहीं देखा तो 1 मान लेता हूँ। तो ये रिलेशन मिल गया मेरे को K के बीच में, K1 के बीच में, K2 के बीच में और K3 के बीच में। ये K1 K2 K3 क्या, ये K1 K2 K3 है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और सिर्फ K क्या है, ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है ओवरऑल रिएक्शन का, ये रेट ऑफ रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट, या रेट कांस्टेंट बोल लूँ, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट N2O5, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट NO2, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट O2। तो अगर, क्योंकि अब हमने रेट कांस्टेंट भी पढ़ लिया, तो रेट कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन के बीच में रिलेशन आ गया, क्या आ गया, अब इसको ऑब्जर्व करो डायरेक्ट, ये एक रिजल्ट है, डेरिवेशन है छोटा सा, ठीक है। जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे मैं बोला ओवरऑल रेट इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रेट और प्रोडक्ट के इंडिविजुअल रेट पे कैसे डिपेंड करती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी तरह की इसके लिए हम डेरिवेशन करा था, तो इसके लिए भी एक यहां से छोटा सा डेरिवेशन है 2 स्टेप का। अब इंडिविजुअल कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और ओवरऑल रेट कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहां से देख सकते हो ओवरऑल रेट कांस्टेंट विच मस्ट बी इक्वल्स टू K1/2। ये 2 क्या है, ये जो हमारा रेट कांस्टेंट है किसका है, ये रेट कांस्टेंट हमारा रिएक्टेंट का, और उस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना 2, उसी से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। फिर K2 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या है हमारा NO2, ठीक है, और NO2 का देखना कोफिशिएंट क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। K3 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट हमारा O2, और इस O2 का कोफिशिएंट क्या है 1, उसी से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जिस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिखते हैं, उसी तरीके से रेट कांस्टेंट का भी रिलेशन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्लस इसमें कोई नेगेटिव वगैरह नहीं आते, जैसे इसके अंदर तो हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते डिवाइड बाई इसके कोफिशिएंट, तो यहां कोई नेगेटिव नहीं आता, सब पॉजिटिव में आएंगे। दूसरी बात, जैसे इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते, सेम इसमें भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम इसको डिवाइड करते, तो ये भी एक रिजल्ट है जिसको आप डायरेक्ट ध्यान रखें। तो इन जनरल मैं लिख देता हूं, ठीक है, तो इन जनरल अगर मेरे को कोई रिएक्शन दे रखी है ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी विच गिव सी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी, ठीक है, तो ये थोड़ा अंडरस्टूड है कि ओवरऑल जो के है,
ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है चाहो तो लिख लेना, जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा इतना, कि क्या ओवरऑल रेट कांस्टेंट है मेरा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इस मस्ट बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट ए, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट ए डिवाइडेड बाय स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका क्या है स्मॉल ए, विच मस्ट बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बी डिवाइडेड बाय इट्स स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल बी, विच मस्ट बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट सी डिवाइडेड बाय इट्स स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल सी, विच मस्ट बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट डी डिवाइड बाय इट्स स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल डी। ठीक है, तो ये मैंने इन जनरल लिख दिया, जिसको आप रिजल्ट के फॉर्म में, ठीक है डेरिवेशन दो स्टेप का था सिंपल सा, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें बस मैंने क्या करा एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया ये, और इसको तो ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है कि इसको भी आप डायरेक्ट ध्यान रखिए नहीं, ठीक है तो इसको कॉपी करें। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विच इलुस्ट्रेट ऑर्डर एंड रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, कब से हम पढ़ते आ रहे कि रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ क्या है, कैसे ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ हमने तरीके देखे, रेट लो एक्सप्रेशन को कैसे लिखते, रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जनरली रिएक्टेंट आते नहीं आते, क्यों आते, क्या आ सकते नहीं आ सकते। ठीक है, सारे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे रियल लाइफ से। ठीक है, ए बी सी डी के फॉर्म में नहीं लिखे, एक्चुअल ये केमिकल रिएक्शन है जो हमारे नेचर के अंदर होती है, हम करवाते हैं लैब के अंदर, इससे हमें कुछ ठीक है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता लगेंगे रेट लो एक्सप्रेशन के बारे में और ऑर्डर के बारे में, दोनों के बारे में जो मैं अब तक बोलता है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहली चीज़ तो इन रिएक्शन को याद नहीं करना, रटना नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, और एक कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है इस रेट लो एक्सप्रेशन को लेके या ऑर्डर को लेके, बस उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा मैं एक ठीक है कि एफर्ट मान लो कि ये बस एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं अब सिर्फ अभी तक कहते आ रहा हूँ वो एक्चुअल में होती भी है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो अभी मैंने हमने कराई था ऐसा एक न्यूमेरिकल हम कर चुके, तो उसमें 2N2O5 डिकम्पोज होकर 4NO2+O2 में कन्वर्ट होता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसका रेट लो एक्सप्रेशन, ये जितने भी सबके रेट लो एक्सप्रेशन लिखे ये सब क्या है कॉमा लगा के इस तरीके से जो लिखा है वो रेट लो एक्सप्रेशन, और वो एक्सपेरिमेंटली ठीक है अपने मन से मैंने लिखा है, कुछ मैंने डेरिवेशन या कुछ ऐसा नहीं करा, ये इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लो एक्सप्रेशन है, ये केमिकल रिएक्शन, ये इसका रेट लो एक्सप्रेशन। तो इसके रेट लो एक्सप्रेशन में मुझे दिख रहा है कि इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये तो समझ में आ गया N2O5 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, जो हम ऑलरेडी अभी तक बात करते हुए आ रहे कि रेट जनरली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो वो कर रहा है। लेकिन क्या इसका स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, और क्या इसका ऑर्डर भी 2 है, जो जनरली बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही उसका ऑर्डर बन जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी हो भी सकता और नहीं भी होता है। किस केस में होता है और किस केस में नहीं होता है, वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है वो हम आगे पढ़ेंगे, जो पार्ट भी है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल इनका स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का और ऑर्डर का कोई लेना देना आपस में नहीं है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो ठीक है ये कोइंसिडेंस होगा बस, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे देखना, ये ब्रोमाइड आयन दे रखा है, Br(O3- - आयन दे रखा है 6H+, ये आयोनिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये भी है तो बैलेंस लेकिन आयन से, इसका रेट लो एक्सप्रेशन में देखोगे तो Br- जो रिएक्टेंट है वो भी आ गया, दूसरा रिएक्टेंट भी आ गया और तीसरा रिएक्टेंट भी आ गया, तो तीनों रिएक्टेंट आ रहे, तीनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसका कोफिशेंट 5 है तो इसका पावर 5 नहीं है, इसका 1 है तो इसकी पावर 1 है, इसका कोफिशियंट 6 है लेकिन इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टेचोमेट्रिक कोफिशियंट से रिलेटेड कंफ्यूजन। दूसरी चीज कि हर बार सारे रिएक्टेंट आए ऐसा हो भी सकता है, और हर बार सारे रिएक्टेंट ना आए ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि जितने रिएक्टेंट लिखे वो रेट लो एक्सप्रेशन में हर बार मिले। ठीक है, जैसे इस केस में मिल रहे, और इस रिएक्शन की खास बात यह कि रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर आयंस भी आ सकते हैं, इवन एनायन और कैटाइन्स भी रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर आ सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन आ सकती है, जरूरी नहीं कि वो कोई मॉलिक्यूल हो या एटम ही हो। ठीक है,
थर्ड एग्जांपल देखिए, 2O3 से 3O2, ठीक है, वैसे तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन फिर भी सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको, ठीक है, इरिवर्सिबल के फॉर्म में लिखा। इसका रेट लो एक्सप्रेशन आप देखोगे तो R इक्वल्स टू के O3, ये तो मेरा है रिएक्टेंट, और इसकी पावर है 2, जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा है, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मल्टीप्लाई में O2 जो कि इसका क्या प्रोडक्ट, और इसकी पावर क्या दे रखी है, -1। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो O2 है ये रेट लो एक्सप्रेशन में आ रहा है और ये खुद क्या एक प्रोडक्ट है, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है और आगे भी हम पढ़ेंगे और जनरली जो पढ़ते हैं उसमें रेट लो एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस में रिएक्टेंट ही है, लेकिन फिर से मैं, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रियल लाइफ की रिएक्शन है ये, रेट लो एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल है, तो रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी आ सकती है, तो उसका ये एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ दिख रहा है। और दूसरा देखना, इसकी जो ऑर्डर है वो है -1, जबकि इसका कोफिशियंट क्या है 3, तो ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, तो जहां पे ऑर्डर नेगेटिव मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 4 देखोगे तो NO2 प्लस CO विच गिव्स NO प्लस CO2, इसका रेट लो एक्सप्रेशन जो हमें मिला है एक्सपेरिमेंटली वो देखा K इंटू NO2 की पावर 2, तो यहां पर NO2 तो मेरा रिएक्टेंट है, इसका कोफिशियंट 1 है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है 2, तो फिर से वो चीज कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोफिशियंट होगा वही उसका ऑर्डर होगा। दूसरा, इसमें 2 रिएक्टेंट दे रखे, अभी तक देखना ये रिएक्टेंट आ गया था, 3 रिएक्टेंट आ गए थे, 1 रिएक्टेंट था, साथ में प्रोडक्ट भी आ गया, लेकिन रिएक्टेंट तो आ रहा था, इस केस में 2 रिएक्टेंट है, NO2 और CO 2 रिएक्टेंट है, लेकिन एक ही रिएक्टेंट आया रेट लो एक्सप्रेशन में, CO नहीं आया यहां पर, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर मेरे पास 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, 4 रिएक्टेंट दे रखे तो सभी आए रेट लो एक्सप्रेशन में, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और सारे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, CH3CHO CH4 प्लस CO दे रहा है, ठीक है, फिर से इसका रेट लो एक्सप्रेशन देखोगे तो K CH3CHO ये सिर्फ रिएक्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में, और जो हम सिलेबस में पढ़ने वाले उसमें मैं फिर से बोल दे रहा हूँ जनरली, ठीक है, 99.99%, ठीक है, वो 0.10% भी तुम्हें कहीं वैसे देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि रेट लो एक्सप्रेशन में तुम्हें जनरली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, वो अलग बात है कि वो उसमें एक ही रिएक्टेंट आ रहा है, 2 आ रहा है या सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे सारे एग्जांपल में आप देख सकते हो, इवन सिर्फ इस एग्जांपल में देखोगे तो प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो बताने का मतलब ये था कि प्रोडक्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के अगर आपके पास, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, ऑप्शन आ जाए कि इसमें ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ऑप्शन दे दे 1, 2, 3, 4 और मल्टीपल करेक्ट आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना हो तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। और अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, मेंस और नीट के हिसाब से भी, लेकिन आपके दिमाग में जो क्वेरी रहती है, कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे इसकी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जो पावर है, मैंने बोला था ना पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर इसकी पावर पॉजिटिव, सबकी पावर पॉजिटिव पॉजिटिव, मैंने बोला नेगेटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी है। इसको मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता, ठीक है, ऐसे तो लिखा ही है, मैं इसको चाहता तो कैसे लिख सकता, CO की कंसंट्रेशन लिख देता, ये रिएक्टेंट है और इसकी पावर क्या कर देता, 0, और 0 कर देता तो कंसंट्रेशन टर्म अपना पड़ जाता, दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, CO के रेस्पेक्ट में 0 है। तो मैंने बोला था ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है जो दिख रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 3/2, दैट मीन्स 1.5, ठीक है। तो सारी चीजें आगे जो मैंने बोली थी। लास्ट एग्जांपल देखोगे तो 2SO2 प्लस O2, NO यहां पर क्या है, कैटलिस्ट है, NO क्या है यहां पर, ये एक कैटलिस्ट है, उससे ट्वाइस ऑफ SO3 बन रहा है, और रेट लो एक्सप्रेशन में आप देखोगे तो R इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो कि एक रिएक्टेंट है, SO2 भी एक रिएक्टेंट है, लेकिन वो रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं है, और NO हमारा क्या है यहाँ पर, कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट की पावर दे रखी 2, दैट मीन्स रेट लो एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट तो आ ही सकते हैं, प्रोडक्ट भी हो सकता है, साथ के साथ में जो हमारा कैटलिस्ट है वो भी हो सकता है, नहीं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये ध्यान रखना, रेट लो एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन रेट लो एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, ठीक है। अगर वन स्टेप रिएक्शन है तब तो अलग बात है, 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप रिएक्शन में बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और वो इंटरमीडिएट कभी भी रेट लो एक्सप्रेशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रोडक्ट हो सकता है और कैटलिस्ट हो सकता है,
ठीक है। और ऑर्डर पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल नेगेटिव सब हो सकती है, जीरो हो सकती है, वो सब मैंने इसमें बता दिया ठीक है। तो चाहो तो समझने के लिए आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये चीज़ें बताई है, समझाने की कोशिश करी ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे ठीक है। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से जो आपको ध्यान रखने हैं ठीक है, एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी और दूसरा कॉम्पिटिशन या ठीक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी ठीक। पहला पॉइंट ये लिखा मैंने, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ठीक है। तो ये अभी मैं एग्जाम्पल से ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि किसी भी रिएक्शन के जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं और उस रिएक्शन का रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो हमें ऑर्डर मिलते हैं, मतलब उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की जो पावर है उससे उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखा, जनरली रेट लो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट मे ऑल्सो इंक्लूड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज कैटलिस्ट ठीक है। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में बता चुका हूँ कि जनरली तो हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मिलती है रेट लो एक्सप्रेशन में, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो भी सकती है और कैटलिस्ट भी हो सकती है, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं बता चुका हूँ। बट इट नेवर इंक्लूड कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट, लेकिन कभी भी किसी रेट लो एक्सप्रेशन में किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं आ सकता ठीक है। ये कभी नहीं होता है, क्योंकि इंटरमीडिएट होता क्या है, रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद वो जनरेट होता है और रिएक्शन खत्म होने से पहले वापस कंज्यूम होकर खत्म हो जाता है ठीक है। तो ये दो पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन के फॉर्म में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया पहले ठीक है, नीट जेई में कहीं पूछा गया, तो इसको ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस विथ कंडीशन अंडर विच रिएक्शन इज परफॉर्म। जो ऑर्डर है, मैंने बोला एक रिएक्शन का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, वो चेंज नहीं होता है, नहीं ऑर्डर हर रिएक्शन का अलग होता है ठीक है। तो वो स्पेसिफिक रिएक्शन का जो स्पेसिफिक ऑर्डर है, वो एक रिएक्शन का ऑर्डर चेंज भी हो जाता है अगर उस रिएक्शन की कंडीशंस अगर मैं क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर टेम्परेचर वगैरह ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है, डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सॉलिड के सरफेस पे ठीक है, सॉलिड सरफेस फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, जैसे हम हाइड्रोजनेशन वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं, निकल पैलेडियम प्लेटिनियम एक सॉलिड सरफेस होता है जिसके ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं ठीक है। तो ऐसा भी बोल सकता हूँ, सॉलिड सरफेस पे अगर मैं कोई गैसेस की रिएक्शन करवा रहा हूँ, स्पेशली कौन सी, जिसमें डीकम्पोजिशन होता है ठीक है। तो डीकम्पोजिशन ऐसे बोल सकते हैं, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कौन सा, N2O5 का लिया था, जो NO2 और O2 में ब्रेक हो रहा था, वो क्या हो रहा था, डीकम्पोजिशन। तो गैसेस का डीकम्पोजिशन हो रहा है सॉलिड सरफेस पे एज ए कैटलिस्ट मान लो उसको। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है, अगर उस रिएक्शन को अगर मैंने ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट वेरी लो प्रेशर ठीक है। अगर लो प्रेशर पे रिएक्शन करा रहा हूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को वो फॉलो करता है, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। अगर मैं हाई प्रेशर ले लेता हूं तब तो जीरो ऑर्डर आता है ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूं, बहुत ज्यादा वेरी लो प्रेशर ले लेता हूं तब वो किसको फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को। तो एक ही रिएक्शन है, हो क्या रहा है, हो तो डीकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ही रहा है, लेकिन उसी रिएक्शन को अगर मैंने बहुत लो प्रेशर पे कराया तो ऑर्डर अलग आ रहा है, और हाई प्रेशर पे कराया तो ऑर्डर अलग आ रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर डिपेंड कर रहा है कंडीशन पे भी, कि किस कंडीशन में हम उस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसी भी रिएक्शन की रेट उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगी। रेट, रेट लो एक्सप्रेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेट बोल रहा हूँ ठीक है। जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। अगर मैंने उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करा, चेंज कर दिया, चेंज करने का मतलब मेरे पास अगर बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसको मैंने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज हो गया, या मैंने उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो चेंज हो गया, या 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चेंज हो गया। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अगर मैंने चेंज करा तो उसकी ओवरऑल रेट जो है रिएक्शन की, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट स्पेसिफिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या जो भी स्पीसीज उस रिएक्शन के अंदर हो रहे, उसकी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, भले ही उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कुछ भी चेंज करो, किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो ठीक है।
ध्यान से सुनना फिर से, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दैट मीन्स ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगी, लेकिन स्पेसिफिक उस रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के हम बताते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कंजप्शन और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रेट है वो उस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगी, भले उस रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को कैसे भी चेंज कर दो, लेकिन ओवरऑल रेट पे फर्क पड़ेगा। कैसे? तो इस फोर्थ पॉइंट को प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जांपल ले रहा हूँ, जिससे आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये दो पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, थर्ड पॉइंट को वैसे ही आप याद रखना। ठीक है, इसके लिए मैं, ठीक है, वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इसके लिए तुम्हें एक, ठीक है, वैसे तो एक डेरिवेशन टाइप है लेकिन वो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना इस एग्जाम्पल से इस ये क्वेश्चन पूछा गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। तो इसको सपोर्ट के लिए या इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको एक बार आप कॉपी कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 1.5 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़े और इसको सॉल्व करें। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो आई थिंक जिन लोगों ने अगर ट्राई करा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, जिन लोगों ने क्वेश्चन ट्राई करा होगा, तो उन्होंने क्या करा होगा, क्योंकि इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखी हुई है। तो ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक्स में जब तक रिएक्शन ना लिखी हुई हो, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर रिएक्शन लिख दो और बैलेंस कर दो। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस करने के कई तरीके हैं। भाई मुझे किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, ऐसे तो कुछ है नहीं, इसका वन मोल ही बनाना है या इसका वन मोल ही रिएक्ट करना चाहिए, बैलेंस ही तो करना है, तो बैलेंस तो कैसे भी कर सकता हूँ। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से उसको बैलेंस करेगा, तो आंसर भी उसका अलग अलग आएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जैसे ही चेंज होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ तो इनअप्रोप्रिएट है विथ रेस्पेक्ट टू केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से, अगर मुझे इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है अमोनिया बनाना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्ट कराने पे। कैसे है तो इसको आप समझते हैं नहीं। ठीक है, केस वन लेता हूं मैं। केस वन में सबसे बेसिक बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो हम इन जनरल लिखते हैं, मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करें और अमोनिया बना दे। इन जनरल हम यही तो लिखते हैं, N2 दो एटम दो है, यहाँ पे छः हाइड्रोजन एटम है, तो N2 प्लस 3 है, तो ट्वाइस NH3। ये मैंने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख दी। ठीक है, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसमें इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, इसका 2। इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं अमोनिया की रिएक्शन, हैबर्ट्स प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है R है, वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt, इसका कोएफिशिएंट तो 1 दे रखा है, इज इक्वल्स टू इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 दे रखा है, तो d ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/2 d ऑफ NH3 डिवाइड बाई dt। ऐसे लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन, ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया। अब मुझे क्या दे रखा है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मुझे जो गिवन दे रखा है वो दे रखा है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब d ऑफ N2 अपॉन dt, इसकी वैल्यू दे रखी है, और वो कितनी है, 1.5 × 10⁻³। ये मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, तो मैं ओवरऑल रेट भी निकाल सकता हूँ और किसी भी रिएक्टेंट, मतलब H2 और इस प्रोडक्ट
इसकी भी रेट निकाल दो। तो मैं एक ही काम कर रहा हूँ, अपने सहूलियत के लिए आपको डाउट हो और फिर भी आप क्लियर करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैं एक तो ओवरऑल रेट निकाल रहा हूँ और एक बार हाइड्रोजन की रेट निकाल रहा हूँ, आप चाहो तो अमोनिया की रेट भी निकाल के देख सकते हो यानी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरऑल रेट की अगर बात करूँ तो आर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, माइनस डी ऑफ एन टू अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू 1.5 × 10⁻³ मोलर पर सेकंड। एंड मुझे रेट निकालनी किसकी, हाइड्रोजन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं, माइनस 1/3 डी ऑफ एच टू अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ एन टू अपॉन डी टी। इसकी रेट निकालनी है हाइड्रोजन की, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तो नेगेटिव हट ही जाएंगे, तो डी ऑफ एच टू अपॉन डी टी इस मस्ट बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ऑफ एन टू अपॉन डी टी। तो ध्यान रखना, एक वैल्यू तो आर की ये मिली है मुझे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ऐसे ही बोल सकता हूँ, हाइड्रोजन इसकी जो रेट है वो क्या होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3 × 1.5 × 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू 4.5 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। एक वैल्यू मुझे ये मिली है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहो तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकाल सकते हैं इससे इक्वेट करके। फिर ले रहा हूँ मैं केस टू। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, फिर मैं ले रहा हूँ केस टू। केस टू में मैंने क्या करा भाई, रिएक्शन तो बैलेंस रहने चाहिए, तो मैंने रिएक्शन को बैलेंस ही रहने दी। लेकिन बैलेंस ऐसे थोड़ी ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं पूरी रिएक्शन को क्या करूँ 1/2 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 हट जाएगा, तो अभी भी तो बैलेंस ही है ये, इसमें क्या दिक्कत है भाई। हमने बोला था बैलेंस होनी चाहिए, तो बैलेंस अभी भी है, 2 से पूरी रिएक्शन को मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1/2 मतलब एक नाइट्रोजन एटम एक है, 3/2 × 2 मतलब 3 हाइड्रोजन एटम, तो 3 है, बैलेंस है। इससे अगर मैं देखूँ तो अब देखना यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका क्वेश्चन कॉफिशेंट क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 1/2, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा नीचे 3/2 आएगा, तो ऊपर क्या चला जाएगा 2/3। ठीक है, तो कॉफिशेंट चेंज होगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2/3, और यहाँ से इसका कॉफिशेंट 1 हो गया तो ये हट जाएगा, गिवन हमें ये दे ही रखा है। ठीक है, इसके लिए मैं, ठीक है ये पहले वाले का आंसर है, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, केस टू के लिए मैं इधर अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर केस टू की, चलो इसको मैं लिख के देता हूँ, 1/2 N2 + 3/2 H2 और NH3, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ट्वाइस ठीक है, इसको केस 1 ही बना रहने देता हूँ ताकि कंपैरिजन होने में, ठीक है देखने में आपको आसानी है। केस 1 यहाँ पर 1/2, सॉरी ये तो 1 ही था, नेगेटिव यहाँ पर 1/3, नेगेटिव 1/3 यहाँ पे 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम लिख देता हूँ, आर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ डी एन टू अपॉन डी टी नेगेटिव ऑफ 2/3 डी ऑफ एच टू अपॉन डी टी और यहाँ पर आ जाएगा डी ऑफ एन एस थ्री अपॉन
डी टी, ठीक है। अब रेट मुझे कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यू तो गिवन जो है, ये तो रेट ऑफ कंजप्शन है, ये तो फिक्स वैल्यू, इसमें तो थोड़ी कोई चेंज आ जाएगा, ये तो अभी भी यही रहेगी। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ डी ऑफ एन टू अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड। दैट मीन्स आर की वैल्यू आ गई है, 2 से करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड, ये आ गई ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। और अब जैसे इसमें मैंने हाइड्रोजन में करा है, वैसे इसमें भी हाइड्रोजन के लिए कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन के लिए मुझे कैलकुलेट करना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, नेगेटिव ऑफ डी ऑफ एच टू अपॉन डी टी इस मस्ट बी इक्वल्स टू, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स नेगेटिव ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डी ऑफ एन टू अपॉन डी टी, तो 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू, और ये कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3, तो यार नेगेटिव ऑफ डी ऑफ एच टू अपॉन डी टी, ठीक, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा लेना, विच इज इक्वल्स टू 3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों वैल्यू आपके सामने है, दोनों केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, दोनों के अकॉर्डिंग देखोगे तो चीज़ें बिल्कुल सही है, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, रेट ऑफ कंजप्शन तो दोनों केस में रहना सेम ही है, क्योंकि ये तो रेट नाइट्रोजन का रेट क्या है वो सेम होना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं कॉफिशेंट से। हाँ, कॉफिशेंट चेंज होने से तो ओवरऑल रेट का यहाँ पर आ रही 1.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3, और यहां पर जो रेट आ रही है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि कॉफिशेंट क्या हो गया, सही तो लिखा है ना मैंने, हाँ सही है, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 10 रेस टू, यहाँ आ रहा था 1.5 और यहाँ आ गया 3 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3। लेकिन हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ कंजप्शन है वो यहाँ पर आ रहा था 4.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पर भी आ रहा 4.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3। दैट मीन्स स्पेसिफिक सेम, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो किसके लिए, अमोनिया के लिए, यहाँ पर भी अमोनिया के लिए चेक कर लेना रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, और यहाँ पर भी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया चेक कर लेना, दोनों केस में सेम वैल्यू आएगी। दैट मीन्स स्टेचोमेट्रिक कॉफिशेंट जब भी चेंज करोगे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क आएगा, स्पेसिफिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो मैंने नोट के फॉर्म में लिखाया था उसको प्रूव करा है मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, तो इसको कॉपी करें।